विशाल इमारत में सरकारी दफ्तर था। एक कमरे में बैठे बाबू के पास जाकर नारद ने भोला राम के केस के बारे में पूछताछ की। हाँ, भोला राम की दरखास्तें तो आती रहती थी, परंतु उन पर वजन नहीं होने के कारण वो उड़ जाती थी। इससे क्यों नहीं दबा दी? आप नए नए ही सन्यासी हुए हैं, मामूली साधु हैं आप, वरना दफ्तरों की बातें समझते। शंकराचार्य लोग तो गद्दी के लिए कचहरी में मुकदमे लड़ते हैं, और आप ये भी नहीं जानते कि दरखास्तों पर कैसा वजन रखा जाता है। खैर, उस कमरे में चले जाइए। नारद उस कमरे वाले बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास। नारद 25-30 कमरों में घूम आए, तब खड़े खड़े सोचने लगे कि शायद नए आदमी को घुमाकर पूरा दफ्तर दिखा देने की प्रथा है यहाँ। पास खड़े चपरासी ने कहा, अरे साधु बाबा, इस तरह तो सालों चक्कर काटोगे तो भी काम नहीं होगा। आपने क्यों ये झंझट सिर पे ले ली? ऐसा करो, सीधे बड़े साहब के पास चले जाओ, उन्हें अगर खुश कर लिया तो फौरन काम हो जाएगा। खुश करने के परिश्रम से नारद के कपाल पर पसीना आ गया। वो समझ गए कि मनुष्य आजकल ईश्वर की भक्ति क्यों कम करने लगे हैं। बेचारों को इन दफ्तरों के नए देवों की भक्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती। एक नई देव सृष्टि के दर्शन उन्हें यहाँ हुए। बड़े साहब के कमरे में वो धड़धड़ाते हुए चले गए। साहब ने चौंक कर देखा, दृष्टि में तनिक क्रोध आया, पर फिर वेश देखकर समझ गए कि बेचारा एकांतवासी है, दफ्तर का शिष्टाचार नहीं जानता। क्यों बाबा, कैसे आए? भोला राम नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन के संबंध में आया हूँ, उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कुछ कर्ज था आपका, बिना पटाए मर गया होगा। आजकल साधु लोग भगवान के नाम से साहूकारी करते हैं। यहाँ तो कई दस्तावेज आते हैं कि दस्तावेज लिख दी, राम भरोसे वल्द हरि भरोसे ने भगवान गोपाल लाल को ऐसा, जो कि आप लोग भगवान के एजेंट हैं। भगवान फिर किसी दिन भक्त कर्जदार का मकान कुर्क करवा कर नीलाम करा देते हैं। किस मंदिर मठ की जायदाद के स्वामी हैं आप? आपको दूसरे की बात सुनने का भी थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, पूरा मामला सुनकर फिर टिप्पणी करिए। नारद ने भोला राम का पूरा मामला बताया। देखिए स्वामी जी, ये सरकारी पैसे का मामला है, भगवान का वरदान तो नहीं कि कह दिया जा तुझे सोने का महल मिले और फौरन सोने का महल खड़ा हो जाए। यहाँ एक ही बात को 20 जगह 20 रजिस्टरों में 20 लोगों द्वारा लिखा जाता है। जितना पैसा मिलता है उतने की स्टेशनरी खर्च हो जाती है। कागज को 20 दफ्तरों से निकलने में देर तो लगती ही है। आप चाहें तो जल्दी भी करवा सकते हैं। हाँ, करवा क्यों नहीं सकता, पर मैं क्यों चाहूं? नारद फिर नहीं समझे। तब साहब बोले, हाँ मैं जल्दी ही काम करा दूंगा, ये वीणा आप ही की है। बड़ी देर से साहब की नजर उस सुंदर वीणा पर लगी थी। हाँ, मेरी ही है। बड़ी अच्छी है, मेरी लड़की भी गाना बजाना सीखती है। साधु संतों की वीणा में तो स्वयं सरस्वती ही विराजमान रहती हैं। ये अगर उसे मिल जाए तो लड़की जल्दी ही संगीत में पारंगत हो जाए और उसकी शादी भी हो जाए, और समझिए कि आपका काम भी फौरन हो जाए। लीजिए, इससे तो सारी टेबल के कागज दब जाएंगे, अब तो दरख्वास्तें नहीं उड़ेंगी। साहब ने जवाब के बदले में बनावटी अट्टहास किया, फिर चपरासी से भोला राम के केस की फाइल लाने को कहा। चपरासी ने 100-150 दरखास्तों और पेंशन के कागजों से भरी फाइल लाकर टेबल पर रख दी। साहब ने फाइल पर उसका नाम पढ़ा और पुष्टि के लिए नारद से पूछा, क्या नाम बताया आपने उस कमबख्त का? भोला राम।
कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद समझे कि साहब ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले। साहब कुर्सी से गिर पड़े। नारद चौंके पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम की जीव हो? हाँ मैं ही हूँ। मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मुझे नहीं जाना स्वर्ग। मैंने स्वर्ग जाने के लिए देह थोड़ी छोड़ी थी। मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में आकर अटकना चाहता था। यही रहूंगा मैं, अपनी फाइल नहीं छोड़ सकता।